नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पायल वखारिया। आज के इस प्रोग्राम में मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज का ये प्रोग्राम मुझे आप तक पहुंचाने का मौका मिला, जिसके लिए मैं मुस्तफ़ा जी अजमेरी, जो कि यूएसए बेस्ड हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा जी, आपकी वजह से आज मैं अहमदाबाद, गुजरात और यूएसए की ऑडियंस से रूबरू हो पा रही हूँ। और ये प्रोग्राम कुछ अलग तरीके से हमने डिज़ाइन किया है, तो आई होप यू वुड लाइक इट। ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाने का एक और मोटिव है एक्सेस लाइफ ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ कैंसर पीड़ित पेशेंट्स की ट्रीटमेंट तो होती है, लेकिन उसके साथ उनको एकोमोडेशन दिया जाता है, उनको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया जाता है, मेडिसिंस प्रोवाइड की जाती है, उनके खाने पीने का सब इंतज़ाम किया जाता है। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके साथ उनके पेरेंट्स हैं, जो लोग ये इतना हैवी ट्रीटमेंट, इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको मदद मिले, इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन पूरा काम कर रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आज ये प्रोग्राम के ज़रिए आप लोग जाने एक्सेस लाइफ के बारे में और खुल के डोनेशन दें, ताकि हज़ारों लाखों लोगों को इससे मदद मिल सके। तो मेरी अपील है आप सबसे कि आज प्लीज़ आप, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो मुझे तो आशीर्वाद देना ही, लेकिन आप ये एक्सेस लाइफ ऑर्गेनाइजेशन में भी आप प्लीज़ डोनेशन देना। तो थैंक यू सो मच, और मैं आशा करती हूँ कि आज का ये शो आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू। Put your hands together for a versatile singer, an absolute stunner, a celebrated performer. Payal Vakharia, performing around the world for the last 17 years, having done more than 2,000 stage shows. The celebrated singer of Gujarati films and television. A classically well-trained singer. Payal Vakharia. So, have you heard the magic voice? The voice of Payal Vakharia. Magically unlimited. पिछले कुछ महीनों से हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव चल रहा है। पैंडेमिक की वजह से लोगों का जिंदगी की तरफ का नजरिया और जिंदगी दोनों बदली है। शुरुआती कुछ महीनों में जब हर कोई लॉकडाउन से गुजर रहा था, तब तो जिंदगी मानो तीन ही चीजों पर चल रही थी, कुछ पुरानी यादें, कुछ हमारे अपनों का साथ और कुछ पुराने नगमों के सायों में। और आज हम उन्हीं कुछ पुराने नगमों से हमारी कुछ पुरानी यादें ताजा करेंगे हमारे अपनों के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, कैम शो, यादों की सफर में आपका स्वागत है। और शुरू करते हैं आज का ये सिलसिला सौदागर फिल्म के साथ, जिसने हमें म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर रविंद्र जैन से मुलाकात करवाई। और इस फिल्म के म्यूजिक से सिर्फ डेब्यू नहीं किया, बल्कि इस फिल्म के लिरिक्स भी उन्होंने ही लिखी है। हालांकि अमिताभ बच्चन और नूतन के होने के बावजूद यह फिल्म फ्लॉप हुई बॉक्स ऑफिस पर, बट ऑफिशियल एंट्री फॉर एकेडमी अवार्ड्स के लिए यही भेजी गई थी ऑन द 46th ऑस्कर अवार्ड नॉमिनेशन। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चले या ना चले, एकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन मिले या ना मिले, बट इस फिल्म के सॉन्ग्स सुपर डुपर हिट है। खासकर ये गाना जो हम आपके लिए लाए हैं।
ला 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 सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटकी सवार लूं, हर अंग का रंग निखार लूं, के सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना सजना के लिए मैं तो सज गई रे, सजना।